नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A16K वर्सेस Samsung Galaxy A03 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A16K में 6.46 इंच जबकि A03 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो A16K में 2.97 इंच जबकि A03 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A16K में 0.31 इंच जबकि A03 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A16K से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A16K में 175 ग्राम्स जबकि A03 में 211 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि A16K से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A16K में IPS LCD जबकि A03 में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A16K में 6.52 इंचेस जबकि A03 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A16K में 83% जबकि A03 में 81.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A16K में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A03 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A16K में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और A03 की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A16K में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A03 की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A16K में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A03 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A16K में पावर GE8320 जबकि A03 में पावर GE8322 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A16K में MediaTek Helio G35 और A03 में Unisoc SC9863A मिलता है। बात करें RAM की तो A16K में 3GB जबकि A03 में 2GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी A16K में 4230 mAh जबकि A03 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A16K में 3 कलर्स जबकि A03 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A16K 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,490 में मिल जाता है। और बात करें A03 की तो वो 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,499 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Oppo A16K में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A03 की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में A16 के आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में A03 को आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A15 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F12 है, तीसरा माइक्रो मैक्स नोट 1 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।